देखिए अलग अलग हिस्सों में हादसे हुए हैं, सिर्फ उन्नाव में ही हादसा नहीं हुआ बल्कि लखनऊ, आगरा, महोबा, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से भी हादसे की तस्वीरें आई हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जहां पर हादसे हुए हैं। आगरा, महोबा, कन्नौज में भी जबरदस्त हादसे हुए हैं कोहरे की वजह से। कन्नौज में बस पलटने से 4 लोगों की जान चली गई, आप देख सकते हैं। लखनऊ में कार पलटी, यहां पर भी हादसा हुआ, विजिबिलिटी बेहद कम रही जिस वजह से हादसा बताया जा रहा है। आगरा में भी हादसे की खबर है, आगरा में भी हादसा हुआ। महोबा में भी कंटेनर पलटा, उसके बाद हादसे की जानकारी मिल रही है। कन्नौज में भी बस पलटी जिसमें यह कहा जा रहा है कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आइए आपको बताते हैं कि कोहरे के कारण कहां कहां हादसे हुए हैं, विस्तार से आप जान लीजिए। कन्नौज में एक्सप्रेसवे से बस गिर गई, यहां पर भी हादसा हुआ, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये कहा जा रहा है कि 17 गंभीर रूप से घायल हैं जिनको नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया। हादसे की खबर महोबा से भी सामने आई है, यहां पर भी हादसा हुआ, तेज रफ्तार ट्रक मस्जिद से टकरा गई। और महोबा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत की जानकारी है, एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा से भी हादसे की खबर सामने आई है, कोहरा वजह बताया जा रहा है। आगरा में कोहरे की वजह से नहर में कार गिर गई और इस हादसे में कार में सवार CDO कर्मी की मौत हो गई। इसके अलावा राजधानी लखनऊ से भी खबर है, लखनऊ के गोमती नगर में कार पलटी है और यहां पर पुलिस ने कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। ग्रेटर नोएडा में भी खबर है, यहां पर भी हादसा हुआ, 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई और हादसे में कई लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं, जिनको भी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और इसी बीच बस्ती से बड़ी खबर मिल रही है, बस्ती में भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत की खबर है। कार ने बाइक सवार भाइयों को टक्कर मारी थी, मुंडेरवा के खजोला पुलिस चौकी के पास यह हादसा हुआ, पुलिस ने कार सवार पर केस दर्ज किया है। बड़ी खबर बस्ती से भीषण सड़क हादसा यहां पर भी हुआ, 2 सगे भाइयों की मौत की खबर है। कार ने बाइक सवार भाइयों को टक्कर मारी थी जिसके बाद यह हादसा हुआ और मुंडेरवा के खजोला पुलिस चौकी के पास हादसे की जानकारी मिल रही है। कार सवार पर पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। फरुखाबाद से भी बड़ी खबर है, फरुखाबाद में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ओवरटेक करते समय ट्रक की चपेट में बाइक सवार आए और हादसे के बाद गंगा नदी के पुल पर लंबा जाम लगा। एक ही परिवार के 2 लोगों के हादसे में मौत की खबर है। ओवरटेक करते वक्त ये हादसा हुआ है कहा जा रहा है, बाइक सवार टकराए ट्रक से, उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि हादसे के बाद गंगा नदी के पुल पर लंबा जाम भी लगा, गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई दिखाई दी। एक ही परिवार के 2 लोगों की हादसे में मौत हो गई। तो शहर किस तरीके से हादसों का कहर दिखाई दे रहा है। फरुखाबाद से भी हादसे की बड़ी खबर, ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।